बहराइच यूपी एमएसआरएन के बैनर तले दर्जनों एमआर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्री का एक संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच ज्योति रॉय को सौंपा। उनका कहना है, बड़ी नामचीन दवा कंपनियां अपने रसूख के दम पर हमारे पदाधिकारी कर्मचारियों पर थाने में एफआईआर दर्ज कराती है, जिससे हमें काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसे खत्म किया जाए ताकि हम अपना काम आसानी से कर सके। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। विपिन कुमार तिवारी है, मैं बहराइच यूपी में सारे यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। ये हम लोग आज अपना मांग पत्र देने के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको अवगत कराना है कि जो दवा कंपनियाँ हैं आज की डेट में अपने रसूख और पहुँच के बल पर हम लोग के मांग पत्र को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और थानों में जाकर हमारे पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती हैं। इस संलग्न में हम लोगों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट को के माध्यम से जिलाधिकारी व श्रम मंत्री व श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन सौंपा है। ये यूपी में सारे के तरह के बैनर के तरह हम लोगों ने ये यूपी में सारे उत्तर प्रदेश मेडिकल साइंस कॉम्पिटेटिव एसोसिएशन का संगठन है जो एफएमआरआई और सीआईटू से संबंध रखता है। इसमें हमारी मांगे हैं कि जो जगह जगह पर जो हम कंपनियों के जो कंपनियाँ हैं जैसे कि एल्बर्ट एल्केम लेबोरेटरीज हिमालया पीएसबी अदर कंपनियां ऐसे जो भी कंपनियां हैं उनके खिलाफ हम लोग अपनी मांग पत्र यहाँ पे मैनेजमेंट के सामने हम लोग अपना मांग पत्र रखते हैं, जिसके संदर्भ में वो जाके थानों में एफआईआर दर्ज कराते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने एक सूचना दी है और इस संबंध में हम लोग अपना मांग पत्र रखते हैं। अगला स्टेप हम धरने पर बैठेंगे, ये हमारी आगे की प्रक्रिया है। धन्यवाद।